नमस्कार प्रणाम। हम के राज और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। चलिए आज बताएंगे विकास कुशवाहा, राजेश कुशवाहा और उसके बाद में शेखर राज, पंचम सिन्हा और भी बहुत सारे सिंगर हैं जिनका आप अभी के डेट में गाना नहीं बज रहा। अभी के डेट में देखा जाए तो रजनीश रंजन और जीदी चंदन का ज्यादा बज रहा। अगर इन लोग का गाना पहले बजा हुआ है और बहुत ज्यादा बजा था, लेकिन अचानक इस तरीके का इनका देखा जाए तो अभी गाना नहीं बज रहा है और मतलब वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो पहले मिला था और जिस तरीके से इन लोग का गाना बजा हुआ था, तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उसके बाद ही अपना कमेंट में राय दीजिएगा कि आपका क्या राय है। तो पहली बात बात करते हैं विकास कुशवाहा और राजेश कुशवाहा के बारे में। इनका बात इसलिए कर रहे हैं कि इनका 5-6 साल पहले सॉन्ग सबसे ज्यादा कुशवाहा सॉन्ग बजता था, जो कि एक भोजपुरी अपना म्यूजिक यूट्यूब चैनल था उस पर आता था इनका गाना, तो बहुत ज्यादा वायरल होता था और बहुत ज्यादा बजता, क्योंकि उस वक्त इतने सारे लोग गाने वाले नहीं थे, सिर्फ इन लोग का गाना यूट्यूब पे था, तो इन लोग का गाना बहुत अच्छा बजता था और बहुत सपोर्ट भी मिलता था। उस वक्त बीगो था तो बीगो पे बहुत ज्यादा वीडियो इनका बनता था और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी इन लोग के गाने का वीडियो बनता था। लेकिन अचानक आज देखा जाए तो राजेश कुशवाहा तो पता नहीं कि अभी है कि गा भी रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, इनका भी आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन उनका गाना यूट्यूब पे है, जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं कुशवाहा सॉन्ग। और विकास कुशवाहा का रेगुलर गाना आता है पर कुशवाहा सॉन्ग बहुत ज़्यादा बहुत कम आता है। उसके बाद में बात किया जाए तो शेखर राज के बारे में, तो शेखर राज का एक गाना आया था मामी मरद कुशवाहा चाहे, ये गाना था उनका जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, अभी 4 लाख के करीब में यूट्यूब पे व्यू है। और उसके बाद में इनका सॉन्ग का जो भी उसके सपोर्ट मिलता है, पर जो पहले मिला उस वक्त मिला वो नहीं मिला, और अभी के डेट में देखा जाए तो बहुत ही कम सपोर्ट उनको मिल रहा है। और उसके बाद पंचम सिन्हा है, उसके बाद दीपक सरकार है, उनके बाद बहुत सारे लोग हैं, इनका अभी वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो पहले मिलता था। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है उस चीज़ के बारे में आप लोग को पता बताएंगे इस वीडियो में, पता चलेगा। अभी के डेट में देखा जाए तो जीदी चंदन और रजनीश रंजन जो कि कुशवाहा स्टार माने जाते हैं, जीदी चंदन और रजनीश रंजन को कुशवाहा किंग के नाम से जाना जाता है। बात यह है कि अगर आप कोई भी चीज़ पर रेगुलर अगर काम करते हैं तो आपका ये नहीं सोचिए कि हम एक प्रोजेक्ट तैयार किए, एक वीडियो तैयार कर दिए तो हम इसी से हिट हो जाएंगे या यही गाना बज जाएगा। अगर आप रेगुलर काम कीजिएगा तो वो चीज़ जरूर बजता है। तो वही देखिए दिक्कत हुआ विकास कुशवाहा में। अगर विकास कुशवाहा का जिस वक्त गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और बहुत ज़्यादा बज रहा था, और राजेश कुशवाहा जी का भी, तो उस वक्त ये लोग मतलब गाना गाना थोड़ा कम कर दिए। गाना गाना कम करने की वजह से और सारे बहुत सारे सिंगर सपोर्ट में आके कुशवाहा सॉन्ग गाने लग गए। और अभी के डेट में देखा जाए तो जीदी चंदन और रजनीश रंजन पहले बहुत गाना गाते थे, लेकिन ये रेगुलर काम किए। इस चीज़ को आप लोग गौर से सुनिएगा कि ये रेगुलर काम किए। कोई भी चीज़ पर रेगुलर काम कीजिएगा ऑनलाइन के ज़माने में तो आपका तभी नाम होगा। जैसे अभी के डेट में देखिए, अगर हम ये वीडियो डालना है चैनल पे, अगर हम रेगुलर वीडियो डालते हैं हमको इनकम ज़्यादा आता है अगला महीना में। अगर वही हम कम वीडियो डालेंगे, वीडियो नहीं डालेंगे तो हमारा इनकम कम होगा से होगा, उसके बाद आपका पहचान गिरेगा। लेकिन क्योंकि जैसे ज़माना बदलता है वैसे आपको बदलना पड़ेगा, नहीं बदलिएगा तो आपको जैसे अभी देखे डेट में देखा जाए तो साउथ मूवी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बॉलीवुड को उतना लोग नहीं देख रहा है, वही बॉलीवुड को पहले ज़्यादा लोग देखते हैं क्योंकि अब लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इस चीज़ को बदलिएगा टाइम के साथ, समय के साथ, जिस तरीके का लोग सोच रहे हैं किस तरीके का गाना आना चाहिए उस तरीके का लाइएगा और रेगुलर काम कीजिएगा तो आपको जरूर मुकाम हासिल होगा। रजनीश रंजन बहुत ही कम गाना गाते थे लेकिन इधर बहुत ही ज़्यादा आया, तो देख लीजिए अभी के डेट में उनका गाना का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और आते ही गाने पर बहुत ज़्यादा रील होता है, वायरल होता है। जीदी चंदन के बारे में बात करते हैं, जीदी चंदन लगातार कुशवाहा सॉन्ग ही गाना स्टार्ट किए थे और बहुत सारा लगातार गाते रहे, बहुत सारे लोग आए, प्रोजेक्ट लाते थे, एक दो अच्छा लाते थे, उसके बाद कुछ दिन रुक जाते थे। इनके वजह से जीदी चंदन कभी रुके नहीं और अच्छा अच्छा मैटर देते गए और अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा गाना दिए कि लोग इनका कॉपी किए। खास चीज़ कि आपका वीडियो में गाने में क्वालिटी होना चाहिए और उसके बाद आप रेगुलर काम कीजिएगा तो ये नहीं है कि आपका एक दो गाना वायरल नहीं हुआ तो नहीं होगा, आपका होगा अगर रेगुलर काम कीजिएगा। तो विकास कुशवाहा बीच में अदर गाना ज़्यादा गाने लग गए और कुशवाहा सॉन्ग नहीं गाते थे और बहुत कम, अभी भी इनका बहुत कम आता है, इसके वजह से लोग इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि अभी के देखा जाए तो जो अगर सॉन्ग सुनने वाले हैं, जातिवाद सॉन्ग सुनने वाले हैं, तो उनको वही दीजिएगा तो पसंद आएगा, अदर पे उतना पसंद नहीं आएगा। जब आपका उतना सपोर्टर हो जाएगा, 1-2 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो जाएगा तो आप कुछ भी गाइएगा तो चलेगा। तो आप शुरू में अगर वो चीज़ को लेना है तो आपको रेगुलर काम किया जाएगा। अभी शेखर राज के बारे में बात करें तो उनका गाना बजने के बाद भी वो भी डाउन हो गए हैं और बहुत सारे सिंगर हैं जो जिनका भी बजा हुआ गाना, संदेश सागर के बारे में बात करें तो उनका गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल था, बहुत बजा था, पर वो भी काम नहीं करते हैं, मतलब रेगुलर गाना नहीं आता है, इसके वजह से उनका भी डाउन हो गया। अभी सिकंदर सिंह किट्टू का एक गाना बजा हुआ था, आर्मी लवर वाला गाना था जो कि
बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद में अभी देखा जाए तो उनके कुशवाहा सॉन्ग अच्छा आ रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर वो भी रेगुलर काम करेंगे तो शायद उनको भी वो मुकाम हासिल होगा जो कि जीदी बच्चनदन और रजनीश रंजन को हो चुका है। और सिकंदर सिंह किट्टू का सबसे ज्यादा गाना बजा हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आर्मी लवर वाला सॉन्ग अभी भी यूट्यूब पे होगा। तो इस तरीके से अगर काम अगर रेगुलर कीजिएगा तो आपका जरूर नाम होगा। विकास कुशवाहा को जितने भी सिंगर है, अगर आप लोग काम अगर क्वालिटी में अगर रेगुलर करते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा। ये है कि एक दो वीडियो पर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अगर अच्छा गाने लगे आप में अच्छा हमेशा वीडियो लाइएगा तो आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारे गाना अभी रजनीश रंजन जी दिव्य चंदन और अदर भी सिंगर का आया है, तो जाके सुनिए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।